Assalamu alaikum viewers, you're watching Let's Play, the Week in Sport, a weekly show that rounds up sporting events from the past 7 days. मैं आपका होस्ट दानियाल रसूल और मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जमान खान. हमारे साथ इस दफ़ा एक स्पेशल गेस्ट हैं. वी हैव फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद. वेलकम वेरी टू द प्रोग्राम. हम शुरू करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के साथ. पहला टेस्ट मैच शुरू में लग रहा था कि बड़ी कंफर्टेबल विन होगी. देन इट लुक लाइक कि वेस्ट इंडीज़ बड़ी एक हिस्टोरिक शायद मैच जीत जाएँ, जो कि बड़ी सालों बात होती है अगर वो जीते. लेकिन पाकिस्तान का ये अप एंड डाउन नेचर, हमने पहले भी बात की थी, उनकी इनकन्सिस्टेंसी, कम्प्लेसेंसी, ये थोड़ी हमारी ही प्रॉब्लम है या फिर क्रिकेट के अंदर इस तरह स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में होता रहता है कि किसी का कभी अपर हैंड किसी का? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच? देखिए, ये तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है कि अप्स एंड डाउन, जो कहते हैं ट्रू कलर ऑफ क्रिकेट, वो तो चेंज होते हैं. चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रही हो या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही. अभी आपने बात की इनकन्सिस्टेंसी की, तो पाकिस्तान तो अनप्रडिक्टेबल है ही, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ है उससे भी ज़्यादा हाईली अनप्रडिक्टेबल है. तो ये चीज़ जैसे आपने पहली इनिंग्स में देखा कि वेस्ट इंडीज़ के 357 पे मेरा ख्याल 6 आउट थे और उसी फिगर पे ऑल टीम आउट हो गई. तो इससे हम काफ़ी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जब आप 300 प्लस रन्स या 340 रन्स जीतने के लिए देते हैं तो कप्तान बड़ा कंफर्टेबल होता है कि अगर 200 पे दो विकेट्स भी गिरे हैं तो ऐसी टीम में हमेशा कोलैप्स होने में देर नहीं लगती. और वही हमने देखा कि 6 विकेट्स पे ऐसे लगता था 32 ओवर में 99 रन चाहिए थे, लेकिन आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल कि वेस्ट इंडीज़ इस सोयल पे पाकिस्तान को मैच नहीं हरा सकता. क्योंकि जब आपकी उस सिचुएशन में कोई विकेट गिरती है तो प्रेशर टोटली बैटिंग साइड पे चला जाता है और वो आप उसको बैटिंग साइड नहीं कह सकते, 6 के बाद टेल एंडर्स कहते हैं. और टेल एंडर्स 5-6 बॉल की मार होती है और आपने देखा पाकिस्तान ने बड़ा कम्फर्टेबली 57 रन से ये मैच जीता. लेकिन वेस्ट इंडीज़ की आपने बात की कि वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन कोई अगर एक्सपेक्ट करता कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो मे बी लिमिटेड ओवर्स में, मे बी T20s में या वनडेज में, उसमें वो काफ़ी फ्लैट थे. थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात है कि टेस्ट क्रिकेट ही थी जिसमें पाकिस्तान को भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज मिला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ. सो फार अगर आप देखें दुबई में तो नो डाउट काफ़ी टफ टाइम दिया, क्योंकि अगर हमने कभी कभार जब कप्तान के ऊपर कैमरा जाता था तो ऐसे फील होता था कि ये मैच वेस्ट इंडीज़ ग्रैब कर सकता है. लेकिन ऐसी ऑब्वियसली इतना मिच्योर कैप्टन, अभी रिसेंटली हम नंबर दुनिया वन के टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर वन थे, नो डाउट अभी इंडिया नंबर वन आ गई है. होपफुली अगले जो टेस्ट मैच मार के फिर पाकिस्तान नंबर वन आ जाएगी. तो जब आप नंबर वन के लिए फ़ाइट करते हैं तो आप हमेशा बेहतर सोचते हैं और दूसरी टीमों को इतना टफ टाइम देते हैं कि वो जो जीत है वो ऑलवेज आपके ही फेवर में फॉल करती है. एक चीज़ कही जाती है कि जब आप मैच जीतते हैं तो तब शायद पता नहीं चलता कि आपने क्या चीज़ें गलत की थी और उन पे आप वर्क ऑन तब नहीं करते, आप ज़्यादा सीखते हैं अपनी हारों से कंपेयर टू अपनी जीत. लेकिन इवन दो पाकिस्तानी मैच जीत के, आपके ख्याल में थोड़ी सी मिकी आर्थर को या टीम को कंसर्न होगी कि सेकेंड इनिंग्स में हमारी वो इंटेंसिटी नहीं थी या फिर हम बिल्कुल जल्दी आउट हो गए और लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान खुद डिक्टेट करेगा कि आप डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम 120 पे ऑल आउट हो गए ऑन अ पिच जिस पे 120 पे आउट होना बनता नहीं. होता ये कि नॉर्मली जब आप हमेशा फास्ट बॉलिंग के साथ फॉलो ऑन करते हैं तो कप्तान के जहन में थोड़ा सा आता है कि यार मैं टीम को डिक्लेयर करूंगा तो मेरे बॉलर्स थके हुए हैं, अगर फॉलो ऑन करता हूं इन केस के मेरे बॉलर्स थके हुए हैं इनको रेस्ट देता हूं और 170-160 प्लस देकर इनको दोबारा बैटिंग की दावत देता हूँ. यहाँ पर थोड़ी सी गलती की मिसबा ने, क्योंकि जब आप स्पिनर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं तो स्पिनर्स थकते नहीं हैं, तो आपको फॉलो ऑन के बाद आई थिंक सो के उन्हीं को भेजना चाहिए ताकि आपके ऊपर जितना आपने प्रेशर लिया या जिसमें जितना उन्होंने आपकी टीम को प्रेशर में रखा वैसा प्रेशर नहीं आता आप पे. देखिए 123 ओवर पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में ऑलरेडी कर चुके थे मतलब, और उसके बाद अगर ये फॉलो ऑन फोर्स कर लेते तो 85 ओवर्स यासर शाह ने वैसे ही किए इस मैच में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था. जहाँ पे प्रॉब्लम ये है ये कि अगर आप नंबर वन टीम की बात करें तो यस पाकिस्तान अभी नंबर वन था रिसेंटली और किसी वजह से परफॉर्मेंसेस के बाद, लेकिन एज वेस्टन में भी हमने देखा कलेप्स किया है इन्होंने. इस दिन भी हमने देखा कि एक आसान विकेट पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन से इन्होंने कलेप्स किया है, जो कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस देख लें या वेस्ट इंडीज़ की अगर आप पुरानी डोमिनेंस देखें तो वो फिर टीम को उठने नहीं देते थे. जब आप एक प्लान लेके चलते हो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके 100 पे 6 आउट हो गए तो आप डिफेंस ही चले जाते हैं. यहाँ पे हमने अटैक देखा क्योंकि कप्तान को पता था कि यहाँ पे 340 रन मोर देन इनफ टू कैप्चर वेस्ट इंडीज विन, तो वही हमने देखा 123 के बाद भी उनको 347 रन टू विन था. और इस बैटिंग ट्रैक पे जहाँ पे बॉल नीचा रह रहा था, ब्रेक हो रहा था और आपके पास दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर जिसमें यासर शाह इस वक्त 100 विकेटें भी कर गया 18 टेस्ट मैच में, तो
तो ये कप्तान की हर चीज़ जहन में होती है। मैं समझता हूँ अगर मैं भी होता तो 123 रन पे आउट होने के बाद मुझे फिक्र नहीं होती, क्योंकि बॉल जिस तरह का ब्रेक हो रहा था, अगर आपने पहली इनिंग्स में नवाज़ को आउट होते देखा है तो ऑलमोस्ट ऑस्टिन के कितना बाहर गिरा और मिडल स्टंप पे गया, तो ये कप्तान के लिए बड़ी खुशायन बात होती है कि मैं अपने बॉलर को यूटिलाइज कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा कि जहाँ पे होल्डर ने और डीएम ब्रावो ने थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तान को डाली, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं वही बात करूँगा कि उनकी जो टीम है टेल एंडर्स वो, लेकिन क्रिकेट हैज़ इवॉल्व्ड एज़ वेल, क्रिकेट हैज़ चेंज्ड एज़ वेल। यहाँ पे हमने 400 वनडेज में चेज होते हुए देखा है, टेस्ट क्रिकेट में हमने एक एक दिन में 400 होते हुए देखा है। तो अगर कोई क्वालिटी टीम होती ये वेस्ट इंडीज़ की जगह, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता था? देखिए मुश्किल में ये हो सकता था कि जो हैबिचुअल होते हैं, हैबिट कन्वर्ट इनटू हैबिचुअल, वह साउथ अफ्रीका हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, इनको आदत है, हैबिचुअल है जीतने के, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था उनको, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को आपने हज़ारों दफ़ा देखा है, वहाँ कोलैप्स हुई, यहाँ आ रही, वहाँ आ रही, तो ऐसी टीमों से अगर साउथ अफ्रीका भी जीती तो 2 विकेट से जीती या 1 विकेट से जीती, इतना टफ टाइम ही उनको देते पाकिस्तान बॉलर जितना उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को दिया। एक चीज़ बेसिक है, आफ्टर उनको 222 की लीड थी पाकिस्तान की, उसके बाद आखिरी दो दिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को अंडर एस्टिमेट किया, लाइट लिया या नहीं आपके ख्याल? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की, नो डाउट। जिस तरह फॉल वन के बाद अगर यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया होती तो पाकिस्तान कभी भी फॉल वन करने के बाद खुद ना बैटिंग करता, 100% मैं इस चीज़ पर श्योर, क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया तो आपने डिक्लेयर नहीं किया, फॉल वन नहीं किया ना, तो उसका आपने, मेरा ख्याल है आपको पनिशमेंट भी मिलने जा रही थी, अगर आप मैच हार जाते तो इस वक्त हम बैठे नेगेटिव बात कर रहे होते, पॉजिटिव बात नहीं कर रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि मिसबा ने अंडर एस्टिमेट किया और ठीक किया, क्योंकि आप देखें दुनिया का नंबर वन कप्तान है और बड़ी बड़ी जगहों पे उसने बड़ी बड़ी सक्सेस उसने दी हैं, तो इसका मतलब उसको गेम प्लान्स, टैक्टिक्स, मेंटल तौर पे बहुत टफ है, तो सारी क्वालिटीज़ हैं एज ए कैप्टन जो एक किसी भी बड़े कप्तान में होती हैं, तो उसका उसने सही इस्तेमाल किया। जिस तरह की हमेशा वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस है सारी दुनिया को पता है, कोलैप्स होने में देर नहीं लगती। एक और चीज़ के आपने बात की कि बॉल बड़ा ब्रेक कर रहा था और बिशु ने भी 8 विकेट नहीं, इसलिए मिसबा को कंसर्न नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मेरी अगर आर्गुमेंट हो कि ये 8 विकेट लेने वाली फिर भी सरफेस नहीं थी, क्योंकि बिशु ने तो 8 विकेट ली, लेकिन यासिर शाह को जब तक उनकी टेल नहीं आई, जब तक ब्रावो नहीं आई, तो यासिर शाह को काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे, तो मे बी ये आप ज़्यादा क्रेडिट बिशु को देंगे 8 विकेट लेने का, या फिर हमारे बैट्समैन को ज़रा इनकन्सिस्टेंसी? नहीं, ऐसा नहीं है, जब आप अटैक मीन्स कि आपने अटैक करना है, हमारे पास 150 प्लस करना है, 123 पे आउट हो गए नो डाउट, जब आप एक लो बाउंस पे ब्रेक हो रहा हो अटैक करने जाते हैं तो आप 70-80% चांसेस होते हैं आपके आउट होने से। उस आउट होने से कप्तान को कितना फ़र्क पड़ता है ये मैटर करता है, उसने 8 विकेट ज़रूर लिए हैं, अगर उसमें से अगर 60-70% जो उसने विकेट्स लिए हैं वो स्लो करते आउट हुए, अटैक करते आउट हुए, तो जब यासिर शाह ने बॉलिंग करना स्टार्ट की तो वो डिफेंसिव मोड में थे, तो बड़ा इजीली टैकल कर रहे थे, बड़ा आसानी से खेल रहे थे। यहाँ पे अभी आपने बात की है कि टॉप टीम्स की बात कर रहे थे, नंबर वन टीम पाकिस्तान रह चुकी है और मतलब नंबर वन कैप्टन की बात करें, जब आपको इतना नहीं पता कि आपके पास एक टारगेट है, अगर बाद में मिकी आर्थर कह रहे थे कि जी हमारा टारगेट था 40 ओवर्स में हमने 180 तक हमने लेके जाना है ताकि 400 तक का टारगेट मिल जाए, जब तक आपको ये नहीं समझ आना कि हमने किस तरह लेके चलना, अगेंस्ट स्पिन खेलने का इनको कोई वो नहीं था, एक किसी विशु पे ये अटैक नहीं भी करते कि किसी और बॉलर को टारगेट करते, पाकिस्तान टोटली सेफ एंड पे था, जिस जब उन्होंने 100 रन्स किए उसके बाद वेस्ट इंडीज़ गेम से आउट हो चुकी थी, नो डाउट हमने यहाँ पे देखा कि बड़ी एक लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को मार देगा, जिस तरह 32 ओवर्स में 99 रन्स चाहिए थे, तो फील आती थी कि अगर 40 रन यही विकेट और ऐड करके जैसे होल्डर और डीएम ब्रावो तो पाकिस्तान ये मैच हार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उस सिचुएशन में ये भी देखना होता है कि आया अगर यहाँ पे एक विकेट गिरी तो पाकिस्तान के जो लास्ट टाइम आखिरी 2 विकेट्स में हमने देखा स्लिप भी ली, सिली भी ली, सिली मेडॉन भी ली, सिली मेडॉन, वो जो प्रेशर होता है वो बेसिकली कप्तान का काम होता है क्रिएट करना, और उसमें मुस्बा सक्सेसफुल हुआ और हमने उसमें देखा है उसमें बैट्समैन ने स्लो करने की कोशिश की, आखिरी बॉल पे अगर आपने देखा हो तो आखिरी 4 बैट्समैनों में से 2 रन आउट हुए, ये साइन होता है किसी भी टीम का पैनिक कि मैंने आखिरी बॉल खेलना है, यहाँ पे 1 रन लेना है,
इसका मतलब मैदानी तौर पे आप एक प्लेयर पे डिपेंड करना शुरू हो गया ना, होल्डर पे। हाँ जी। तो चार विकेट्स में से आखिरी दो रन आउट होने का, टेस्ट क्रिकेट में आखिरी दो रन आउट होने का मतलब ये है कि आपको गेम प्लान ही नहीं है, प्रेशर है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और 57 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। पिच से आपकी कोई शिकायत थी कि पहले दो दिन बॉलर्स को कुछ ऑफर नहीं किया, या फिर आपके ख्याल में स्टैंडर्ड है कि टेस्ट क्रिकेट में पिच बाद में जाके डिटेरियोरेट करती है, स्पेशली के फास्ट बॉलर्स को पिच ने शुरू में लग रहा था पहले दो ढाई दिन के कुछ ऑफर नहीं कर रही, आपके ख्याल में पिच वाज अ गुड टेस्ट क्रिकेट या नहीं? देखिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट का मतलब है टेस्टिंग। अगर किसी बैट्समैन की या बॉलर की टेस्टिंग नहीं हुई तो वो टेस्ट किस चीज़ का है? वो टेस्ट इन चीज़ों का होता है, यू हैव टू परफॉर्म अनफेवरेबल कंडीशंस। ये नहीं है कि अगर मैं बैट्समैन हूँ तो हमेशा पैराडाइज देखूँ कि यार बैटिंग ट्रैक है इसमें मैं रन्स करूँ। तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के लिए तो आप यहाँ पे भी बैटिंग करवा दें तो उसको करनी चाहिए, अगर रनिंग ट्रैक बना दें तो करनी चाहिए, सीम स्विंग हो रहा है तो उसमें भी आपको बैटिंग करनी चाहिए, अगर फ्लैट पिच पे वहाँ पे फास्ट बॉलर को बॉलिंग करनी चाहिए और स्पिनर है तो उसको वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। तो दैट मीन्स टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट क्यों अबव है, बिकॉज दैट कॉल टेस्ट फॉर द टेस्टिंग, दैट माई बिलीव। और फाइनली एक और बात, आपने भी बात की इसमें मिसबा की, और आपने कहा कि वो नंबर वन, आपको पता है कि मिसबा इतनी देर से खेल रहे हैं, वो मोर देन 20 ईयर से हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे भी खेल रहे हैं, आप जब खेल रहे थे, आपने जब अपनी इंटरनेशनल डेब्यू किया वो तब भी खेल रहे थे, आपकी मिसबा के साथ कभी खेले साथ एक्सपीरियंस हुआ, या फिर मे बी इन दी अपोजिशन मिसबा का आपकी क्या, व्हाट डिड यू गेट, आप कभी खेले उनके साथ या उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं उसके साथ भी खेला हूँ, उसके अगेंस्ट भी खेला हूँ, उसके साथ कुछ सेशन भी किए हुए कोचिंग के। काफ़ी टफ मैन है, देखें कि जो इवन तब जब वो यंग मैन था, यंग मैन था, क्योंकि आई थिंक सो कि जो उसके बारे में स्टोरी है वो कि ही वाज यंग व्हेन हिज फादर वाज डाइड। तो जब आप फादर के बगैर कैरी करते हो लाइफ को तो आपको बड़े हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो जब आप छोटी एज से स्ट्रगल करते करते हर्डल्स क्रॉस करते करते उस टॉप लेवल पर पहुँचते हैं, तो फिर आप उसको कहते हैं कि मैंने इसमें से मैक्सिमम निकालना है, जो कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में किया है अब यहाँ पे, एज लॉन्ग एज आई कैन स्टे आई विल। और बड़ी बड़ी बात है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बड़ी बात है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आप अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखना कि आपको इतना बिलीफ होना चाहिए अपने आप में कि आपने टीम में आना है और आप आएंगे और खेलेंगे। एक एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान के वैसा बैकअप नहीं था जिसमें 90s में जिस तरह का बैकअप था कि एक बैट्समैन के ऊपर तीन बैट्समैन बैठे हुए हैं, एक बॉलर के ऊपर तीन बॉलर बैठे हुए, तो ये एडवांटेज थोड़ा सा मिसबा को जाता है। नो डाउट उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी मतवातर थी कि किसी को उस पर फिंगर उठाने का मौका नहीं मिल सका, हमेशा उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, तो ये एक उसका प्लस पॉइंट था। प्लस उसकी जब टीम में जगह बनी, उस टीम जीतना शुरू हो गई, आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उसमें उसका स्टे लॉन्गर होता गया, उसमें उसकी जो मैच्योरिटी लेवल थी वो बढ़ती गई। इस पे मुजाहिद वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस दिस, इस वक्त वी हैव टू टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक तो हम मुजाहिद सबसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू लेट्स प्ले। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़मान खान और फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद के साथ। आप पहले बात कर रहे थे एक दफ़ा, जस्ट रैप अप जो आपकी थॉट्स थी मिसबा पे, आपने बात की कि वो बड़े टफ कैरेक्टर हैं और वो हर वक्त कह रहे थे कि मैं अपने करियर से जितना निकाल सकता हूँ उतना स्क्वीज आउट करूँ। एक उनकी एक और कहानी चलती है कि डोमेस्टिक सर्किट पे उनकी रेपुटेशन थी एज अ सिक्स हिटर, वो कि बड़े बड़ी शॉट्स खेलने की उनकी एक थी रेपुटेशन, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पर शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बात सही है? बिल्कुल, ही वॉज वेरी हार्ड हिटर, लेकिन मैंने देखे, जब मैंने उसे देखा वो 200-250 बॉल पे 100 करने वाला था, ये उसका जो स्ट्राइक रेट था 40-50 से प्लस मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन जैसे ही देखे, जब तक आपको सिंगल्स निकाली नहीं आती, ये नहीं है कि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि ब्लॉक 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 फिर दो तीन छक्के मार दिए। क्रिकेट की खूबसूरती ये नहीं है, खूबसूरती क्रिकेट की है कि आपने सिंगल निकाल लें और जहाँ पे बैट बॉल मिला वहाँ पे हमने उसको छक्का मारा या चौका मारा, ये होती है खूबसूरती। यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा मिसबा, मेरी एक दो दफ़ा इस टॉपिक पे बात भी हो चुकी है कि जो सिंगल स्टेकिंग है, जिस तरह मियाँ दा था बड़ा अच्छा, सलीम मलिक था, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको सिंगल निकाल नहीं आती थी, इसलिए उनकी कभी बैटिंग पे कभी वैसा प्रेशर नहीं आता था जिस तरह का इन पे प्रेशर आ जाता है कि अगर दो ओवर मेडन चले गए तो बड़ा शॉट मारने के लिए सोचना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो ये लोग लैक करते हैं।
एक अब लेट्स कम टू आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस. आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी खेले होंगे. एनी वन जो कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली खेलते हैं उनको उस सिस्टम में से गुजरना होता है. हमारे लास्ट टाइम वी हैड शायद नज़ीर ऑन अ प्रोग्राम और उन्होंने भी बात की. उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली अगर मैं सिर्फ 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहता और इंटरनेशनल कभी ना खेलता तो मेरे पास इतने भी पैसे ना होते कि मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीद सकूँ. उन्होंने बड़ी फ्रेंकली ये बात की. तो आपके ख्याल में हमारे कंपेयर टू, अब देखिए इंग्लैंड में आपकी फ़र्स्ट क्लास पे भी आपका एक करियर चल सकता है, यहाँ पे द फैक्ट कि हमारे पास ये इंसेंटिव नहीं है काफ़ी लोगों को डीमोटिवेट करता है फ्रॉम ट्राइंग टू मेक अ करियर इन क्रिकेट? बिल्कुल क्यों नहीं करता. और आप शायद अजीज साहब की बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ. मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर्स या वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं उनको ऑल ऑफ सडन एक श्योरिटी चाहिए होती है कि एटलीस्ट अगर हम एजुकेशन सफ़र करते हैं तो उसकी जो हम प्रोफेशन कैरियर अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसमें इतना रस है या उतना पैसा है कि अगर हम इन केस इसमें फेल भी हो जाएं तो ब्रेड एंड बेटर हो, तो जो आने वाली जो 20 साल 30 साल है रेस्ट ऑफ लाइफ उस वो सिक्योर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन बनाने में. और दूसरी बात कि अब वैसा नहीं है जैसा हमारे दौर में होता था कि कॉन्ट्रैक्ट पे प्ले ले लिए 10 साल उसकी जवानी ले ली उसके बाद 10 लाख का चेक दिया और गुड बाय बाय टाटा. ये नहीं देखा कि पैसे का रेट आपका पैसा कहाँ जा रहा है. 10 लाख वो किस काम आएगा, ना आप घर ले सकते हैं ना आप अच्छी गाड़ी ले सकते हैं. तो यहाँ पर आप वक्त के साथ साथ ये सोचना पड़ेगा कि डोमेस्टिक में पैसा आना चाहिए. वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन का सफ़र करके इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं उनको सिक्योर करना चाहिए. जो 90s की जो टीम थी उसमें आप कह रहे थे कि जो एक प्लेयर के पीछे तीन तीन प्लेयर बैकअप होता था, एक बॉलर के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होती थी, हर प्लेयर को अपनी होती थी कि यार जगह सीमेंट करनी है और ऐसी टीम में पेनेट्रेट करना मुश्किल था. लेकिन इसके सबके बावजूद 90s में हम लोग इतना जीत क्यों नहीं सके? बड़ी अच्छी बात है. लेकिन दूसरी टीमें भी अच्छी थी, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम अच्छी थी. पाकिस्तान के पास स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट आप कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट और पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलिंग शॉट था वो दुनिया का नंबर वन था. और अभी तक आज भी अगर किसी से बात करो जितने भी दुनिया के टॉप क्लास बैट्स प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो वसीम अकरम वकार यूनुस का नाम ज़रूर लेंगे. और इन्होंने 10 साल डोमिनेट किया है और हमने देखा आज भी वो किंग ऑफ सुल्तान है, स्विंग ऑफ सुल्तान. तो ये नाम उनको दिए जाते हैं जिन्होंने इस आप समझते हैं कि इसमें जो हम लोग सुनने को हमें मिलता है कि ड्रेसिंग रूम था, ऑल्दो बहुत बड़े बड़े नाम थे लेकिन ड्रेसिंग रूम में हार्मनी नहीं थी, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है जो हमें सुनने को मिलता है. तो आप क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है सारी चीज़ ड्रेसिंग रूम, अब क्या है क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट या साइंटिफिक दौर में हम बैठे हुए हैं, हम वी स्टार्ट बिलीविंग ऑन रिलेशनशिप. अगर कोच का अपने प्लेयर्स के साथ या कप्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप वैसा रिजल्ट नहीं मिल सकता या जो डिज़ायर आउटकम है वो आपको नहीं मिलता. आप क्या है कि पहले जो उस दौर की बात करते हैं, जुवेद मियां दाद एक स्टार था, अगर मैं टीम में आता था तो मैं रिजर्व रहता था, मैं रिलेशनशिप डेवलप नहीं करता था, तो उसमें टीम सफ़र करती थी. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मॉडर्न क्रिकेट में अब ऐड होना शुरू हो गई है कि हाउ टू डेवलप अ प्लेयर, हाउ टू डेवलप अ रिलेशनशिप, तो ये बेहतरी की तरफ जा रही है और इसके बेहतर रिजल्ट निकल रहे हैं. तो इमरान खान के बाद आप समझते हैं कोई ऐसा कैप्टन आया नहीं जो एक्सट्रैक्ट कर ले द बेस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर? ये आया, इंजमाम ने भी कोशिश की ऐसे कि पाकिस्तान को ऐसी टीम में स्लॉट दे जाऊँ मेरे बाद कम अज़ कम 5 से 10 साल सर्वाइव करे, वो कि ऐसा हो नहीं सका क्योंकि क्विक चेंजेस हमारी ब्लड में क्विक चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं कि आज 5 मैचों में अगर प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया या एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर तो हम कहते हैं इसको चेंज करो. लेकिन इमरान की स्ट्रेटजी ये नहीं होती, ही नो हाउ टू डेवलप अ बॉलर, हाउ टू डेवलप अ बैट्समैन, पूरा कॉन्फिडेंस देता था, कम अज़ कम 1-2 साल उसको पूरा चांस देता था, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी निकले. लेकिन क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में वी गेट पैनिक वेरी क्विकली क्योंकि हम अपनी मर्जी के रिजल्ट सोच रहे होते हैं, इसलिए वी लव टू चेंज एवरी सिंगल मैच. लेकिन अब आप बात करते हैं कि आपने ये हमें कुछ चेंजेस डिमांड करते हैं, आप जब अपने फर्स्ट क्लास करियर में खेल रहे थे और ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट पे मौके कभी काफ़ी कंपेटिटिव था और कम मिलते हैं, तो आपने एट किस पॉइंट पे रियलाइज़ करना शुरू किया कि मैं अपने क्रिकेट के बाद के भी टाइम की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्योंकि क्रिकेट में हम सोचते हैं कि काफ़ी यंग लोग आते हैं तो उन्हें लगता है कि यही हमारा करियर है, लेकिन आगे की भी तो फिर एट व्हाट पॉइंट आपने सोचा कि क्रिकेट के बाद आई शुड प्रिपेयर फॉर अ लाइफ? ये वो थ्रेट अभी है, पहले ये थ्रेट नहीं था क्योंकि आप मैं जब खेलता था मैं बैंक के लिए काम कर रहा था, हबीब बैंक से खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो एक
थॉट थी कि आज नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, हम कंफर्म हो जाएंगे और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा. दैट मीन्स वी हैव द बैकअप प्लान और जो फ्यूचर हमारा सिक्योर है. गो कि ऐसा हुआ नहीं जिस तरह आपको शाही नज़ीर ने बताया. हाँ जी. कि ऑल ऑफ सडन मुझे भी ऐसा किया कि एक चेक दे दिया और कहा जी बाय बाय टाटा. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. नॉट डेज के हर प्लेयर के साथ एक एडवाइज़र है, एक मैनेजर है, क्योंकि ये कल्चर हम लेके हैं अब्रॉड से कि यार वो आपको एडवाइस करता है. आपने मेरा फाइनेंस मैनेज करना है, आपने मेरी टाइम मैनेजमेंट करनी है, आपने मेरी अपॉइंटमेंट लेनी है. तो ये कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया है और ये आप समझते हैं एक पॉजिटिव बात है. बहुत पॉजिटिव बात है. देखें आपका काम है क्रिकेट खेलना, उसी पे फोकस करना. व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन ही नोज बेटर. व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट यू नो बेटर. और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट खेलनी है. तो आपको सारा टाइम मिल जाता है. लेकिन अच्छा अगर आप अपनी बात करें, अगर आपको लगे कभी कि आप डोमेस्टिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म होता है? आप किसके दरवाजे पे जाके क्रिकेट आके कहते हैं कि देखें आई एम परफॉर्मिंग वेल, मुझे लगता है मुझे चांस मिलना चाहिए, मुझे चांस नहीं मिल रहा. जिस तरह आपने अभी पिछले सेगमेंट में बड़ी एक तारीफ की है और बात की है कि जी पिनिकल क्रिकेट का होता है टेस्ट क्रिकेट. तो अब आपको टेस्ट क्रिकेट में अगर चांस नहीं मिला तो आप कहाँ से किस तरह एम करते हैं, किसको कहते हैं कि जी आई एम परफॉर्मिंग वेल, मेरा फोकस है टेस्ट क्रिकेट, मुझे चांस देना चाहिए? कोई एक रूट होता है, एक प्रॉपर रूट जिससे आप किसी को ये अपील कर सकें? आप रूट हो, आप रूट. मीडिया, मीडिया इज़ अ रूट बेसिकली. अब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है. नाइंसाफ़ी इसलिए नहीं क्योंकि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो लोग जो परफॉर्म करते हैं, वो प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं, और मैंने देखा है कि वो मीडिया को ही अप्रोच करते हैं कि दिस इज़ माई परफॉर्मेंस, ये क्राइटेरिया सेट किया है, ये स्टैंडर्ड सेट किया है पीसीबी ने, नाउ इज इन योर कोर्ट. बोर्ड का काम है वो प्लेयर्स जो परफॉर्म करते ही हैज़ द राइट टू बी गेट अ चांस. तो अगर वो चांस मिले और प्रॉपर चांस मिले, चांस मिलने में और प्रॉपर चांस मिलने में थोड़ा फ़र्क होता है. चांस ये होता है कि आप कई दफ़ा इंटरनेशनल जो क्राउड है या प्रेशर है, टैकल नहीं कर सके, हैंडल नहीं कर सके. आपने 3 मैच खेले, 9 रन किए, जिस तरह उमर अमीन है, नो डाउट अजहर अली और उमर अमीन का सेम डेब्यू था इंग्लैंड में. और अगर अजहर अली की परफॉर्मेंस देखें, उसका इस वक्त जो क्लास है वो देखें, और उमर अमीन को देखें, अभी भी वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में. मैं समझता हूँ कि बोर्ड को इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले 10-12 साल से, अब उनको फ्यूचर प्लान्स में नहीं होने चाहिए. एक और पॉइंट इस पे, आपने कहा कि अब मीडिया काफ़ी पावरफुल हो गया और इसलिए नाइंसाफी नहीं हो सकती. आपके टाइम की, व्हाट अबाउट योर टाइम, तब भी यही बात थी? नहीं, ऐसा नहीं था तब. टू बी ऑनेस्ट, थोड़े से मीडिया वाले थोड़े से ग्रीडी होते थे कि अगर उनको सॉरी अगर कोई मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है तो, और फील फ्री चीज़ को फील फ्री. लेकिन उस वक्त बेशक एक पावरफुल प्लेयर नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ टॉपिक क्योंकि भाई बड़ा ख़तरनाक काम हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे बैठ के बोल दिया. तो उसमें होता ये कि उस वक्त जो पावरफुल प्लेयर थे, जिसमें मियाँ दाद, सलीम मलिक, एजाज, उन दिनों बड़े, तो उनका फोकस होता कि उनके प्लेयरों के साथ उन्हीं को प्रमोट करना, उनके इंटरव्यू लगाने, उनको ही हाइप मिलनी. तो यंगस्टर था, उनके लिए जगह नहीं थी, उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती. अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, हमेशा वी ऑलवेज बिलीव, आपने बिलीव दिलवा दिया हमें कि यार कम ऑन वर्क हार्ड, तू अच्छा कर रहा है, तू और आगे जाएगा. आपने कह दिया यार मेहनत नहीं छोड़नी, वर्क हार्ड. तो हमेशा वी ऑलवेज बिलीव इन दैट कि वाटरफॉल्स मेक्स देयर ओन चैनल. इसकी एक वजह ये तो नहीं थी कि टीम जो थी वो डिवाइडेड इतनी थी छोटे छोटे ग्रुप्स में के सारे चाहते थे कि हम अपनी ही एक पूरी एक फर्म ही लेके आएं, उन्हीं को प्रमोट करें रादर देन ट्रस्टिंग ऑन द ओल्डर. पहले ये चीज आपसे कंफर्म कर लें, आपके टाइम में ग्रुप्स थी डिवाइडेड थी? देखिए ग्रुप्स नहीं, बेसिकली अगर मुझे कॉल आता है कमरे में कि आके पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, 3 पिज्ज़े ऑर्डर किए हैं, आपका भी पिज्ज़ा उतर है, मैं अगर उस कमरे में गया हूँ तो 5 लोग बैठे हों, पूरी टीम नहीं बैठी, तो मैं उनके साथ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो 7वां बंदा आ जाए, उसने देखा 6 लोग बैठे हुए हैं, उसने मशहूर कर दिया जी इनका तो एक ग्रुप बना हुआ है. तो अच्छा. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना, फॉल्स कमी जो है ना, वो आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाता है. तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड होते होते प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. अच्छा एक और बात, लास्ट ईयर में मोहम्मद आमिर हैज़ मेड अ कमबैक और उन्होंने अच्छा परफॉर्म टू सम एक्सटेंट कर रहे हैं, ऐसा अपनी क्रिकेट में सीख रहे हैं.
आपका क्या व्यू है अबाउट हमारी बड़ी बहुत कवरेज मिली है ऑन मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, और काफ़ी स्प्लिट ओपिनियन है, कुछ क्रिकेटर्स ने भी अपने ओपिनियंस दिए हैं. आपका दो क्वेश्चंस. वन, आपके ख्याल में इनको कमबैक करना जस्टिफाइड है, और दूसरा, कोई फ़र्क है बिटवीन मोहम्मद आमिर एंड सलमान बट? यह बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, क्योंकि सलमान बट भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, आमिर भी छोटे भाइयों की तरह है. बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि बात यह है कि अगर एक बंदे के लिए दरवाज़ा खुला है तो दरवाज़े फिर सबके लिए खुलने चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. ये नहीं होता कि एक को घुसने दिया और दूसरे को नहीं, यार तेरी तो टिकट ही जाली. तो ऐसे नहीं है कि अगर आपने एक बंदे को अंदर आने की जगह दी है तो फिर दोनों को भी देनी चाहिए. तो आप उसका अगर अगर आपने किसी को नहीं खिलाना तो फिर एक को भी ना चांस देते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि आपको याद होगा आपके क्रिकेट टाइम में साउथ अफ्रीका में जब ये स्कैंडल बना था तो हैंसी क्रॉनिए को लाइफ बैन मिल गया था और हर्शल गिब्स जो थे उनको एक रिलेटिवली छोटा बैन मिला था कि वो कैप्टन नहीं थे और वो यंग प्लेयर थे. आपके ख्याल में इस आर्ग्यूमेंट का कोई वजन है? आज आपको मैं पहली एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा कोई ऐसी मिसाल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है जिस में एक प्लेयर पे इतना लंबा बैन लगा हो और वो वापस अपनी टीम में वापस, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस बॉल हो, टेनिस हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी गेम हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पे बैन लगा हो और वो दोबारा अपनी नेशनल टीम में आया. लेकिन जिस तरह ये दानियल कह रहे हैं कि कैप्टनसी का एक और चीज़ होती है, कैप्टन जो एक टीम का होता है उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, उस पर उसके साथ एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती है. ये मेरे सवाल का जवाब इसी ने दे दिया ना कि सरदार खुश हुआ. जब आप किसी सरदार के लिए कोई बड़ा सा काम करोगे तो सरदार आपको ज़्यादा हिस्सा देता है. तो मकसद है कि सरदार जो है ना, फिर सरदार पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि कप्तान. तो फिर इसीलिए एग्जैक्टली तो जब कप्तान इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए तो सरदार है तो ना? फिर ये उसके लिए फिर लाइफ बैन मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड नहीं है. आपको नहीं लगता? देखिए, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि सरदार पर थोड़ी सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर सरदार को पकड़ना हो तो इनाम भी सबसे बड़ा सरदार के ऊपर ही होता है. एग्जैक्टली. तो मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं. लेट्स मूव ऑन. एक और बात, आप जब क्रिकेट खेल रहे थे और जब आपने फैसला कर रहे थे कि आप मैं क्रिकेट परसू करना चाहता हूँ, तो आपके मेन हु डिड यू लुक अप टू, आपके रोल मॉडल कौन थे तब? रोल मॉडल तो यार बात यह कि हमारी जो फैमिली, ऑलमोस्ट मेरे अपनी फैमिली में से 9 से 10 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, तो उसी में से रोल मॉडल थे कि आप अगर अच्छा खेल रहे हैं तो यार मैंने आप जैसा खेलना है या आप जैसा बनना है. आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप, मैंने कह दिया यार आप जैसा बनना है. तो रोल मॉडल नो डाउट माजिद खान, इमरान खान का उन दिनों बड़ा नाम था. तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं इस जैसा बनूं. तो यही थोड़ी सी छोटी छोटी ख्वाहिशात लेके चल पड़े डगर पे और अल्लाह मियां ने. आपने अपना जहर के एक्सपीरियंस किया है 90s का, जो जब आप 80s 90s जब आप बड़े हो रहे थे, अब जो आप देखते हैं, क्योंकि नाउ यू आर इन्वॉल्व विद लाहौर कलंदर्स और उनके जो टैलेंट हंट के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अब क्या आपको साइकी में फ़र्क आता है अब के यंगस्टर्स में और उस वक्त जब आप यंग थे? यार बात ठीक है, आप बात ये वो वैसे ही था कि जैसे आपने लाहौर से मुझे कहा कि आपने कराची पैदल जाना. ठीक है, अब ये है कि जम्बो जेट पर बैठ गई प्लेट्स के जैक पॉट है ना, कि आप 22 दिन का एक टैलेंट एंड स्कीम है और उसमें आपने अनाउंस कर दिया कि लाइव टेलीवाइज होंगे, प्लेयर्स को 4-star होटल में रखा जाएगा और वो प्लेयर्स जो परफॉर्म करेंगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उसके बाद वो प्लेयर वहाँ पे जाके जो 2 परफॉर्म करेंगे वो 1 साल के लिए मुबिनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पाकिस्तान की सारी होर्डिंग्स पे उनका नाम होगा प्रमोशन के लिए. अब मुझे ये बताएं कि जो 22 दिन के अंदर जिसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसको वो ग्रैब कर ले, तो अब फ़र्क तो आ गया ना. तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि जो मॉडर्न एरा है वो बहुत फास्ट है और अपॉर्चुनिटी जो अवेल करना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ है. वी हैव टू टेक अ ब्रेक हियर. व्हेन वी कम बैक तो वील टॉक फर्दर अबाउट लाहौर कलंदर्स और उनकी परफॉर्मेंस जो थी पिछले PSL में एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द PSL और बाकी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू लेट्स प्ले. वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की. डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, कवरेज उसे कम मिलती है कंपेयर टू इंग्लिश फर्स्ट क्लास सीजन या फिर मे बी शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन रिसेंटली एक चीज़ को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी कवरेज मिल रही थी कि हमारे अपेरेंटली एक बॉलर है गोज बाय द नेम ऑफ यासिर जान और वो एम्बिडेक्स्ट्रस है, वो अपने राइट हैंड से, राइट आर्म लेफ्ट आर्म से उतनी ही पेस 140s में बॉलिंग करते हैं.
कोई आपका did you see that क्या आपका एक्सपीरियंस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से दोनों हाथों से उतनी ही पेस से बॉलिंग करता है जो 130 135 प्लस तो एक एक इन्वेंशन है ना समथिंग डिफरेंट आप जिस तरह सुहेल तनवीर आया था तो जब उसको कोई पहली दफ़ा देखता तो ऐसे लगता था कि कभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो अनयूजुअल बॉलर आने शुरू हो गए हैं अगर देखें अनयूजुअल बॉलर नहीं आएंगे तो खूब क्रिकेट की खूबसूरती कैसे आएगी तो मैं समझता कि एक अच्छी एडिशन है कि एक पूरी दुनिया में उसकी एक बात हो रही है कि कैसे ये प्लेयर कहाँ से आ गया जो दोनों हाथ से बॉलिंग कर सकता है ये हो नहीं सकता या हो सकता है तो कम अज़ कम उस टॉपिक में तो आ गए ना जो हमेशा हमें जैसे सकलैंड मुश्ताक था जिसने दूसरा इन्वेंट किया उसके बाद सईद अजमल आ गया तो हमेशा हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिन्होंने हमेशा इन्वेंशन की लेकिन क्विकली एक यासर जान पे मैं बस एक दो सवाल पूछ लूँ पहली चीज़ उनकी उनका एक्शन कैसा है ठीक है दोनों बाजुओं से देखें डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पे एक्शन दोनों हाथों से बड़े खूबसूरत हैं और लीगल लेफ्ट हैंडर से हाँ लीगल है बिल्कुल 100% लीगल है और लेफ्ट हैंड से वो ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करता है और एक्यूरेसी इज मोर देन गुड इनफ अच्छा इवन विद बोथ हैंड्स देखिए जब आप एक रॉ मटेरियल है ना कोच का काम है उसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना या उसको उस शेप में लेके आना या उसको टेलर्ड ऐसा करना जिससे वो आगे जाके डेवलप हो और बेहतर रिजल्ट दे सके और इन्वेंशन हमेशा मैं समझता हूँ जिस तरह की पाकिस्तान ने इन्वेंशन की है तो एक न्यू एडिशन है देखते हैं कि वो रिजल्ट कैसे देता है जिस तरह टैलेंट तो हमारे सामने आ गया है टैलेंट तो हमारे सामने बहुत आए हैं पहले भी लेकिन ज़ाया हो गए ख़त्म हो गए इमरान नज़ीर आपके सामने इमरान फरत आपके सामने एग्जांपल्स वो हैं जो अभी तक हम अगर कोई बात करें तो अभी तक हम यही कहते हैं कि टैलेंट बहुत है उनमें उमर अकमल एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है तो इस टैलेंट को अब बिकॉज यू आर इन्वॉल्व विद लाहौर कलंदर्स तो अब इसको आप किस तरह आगे लेके चलेंगे किस तरह इसको ग्रूम करेंगे और अगले PSL में क्या हमें देखने को मिलेगी कि परफॉर्मेंस या कोई मैच इनको देखें डिपेंड करता है अगर आपने ज़्यादा खूबसूरत क्रिकेट देखनी है तो आपको बैटिंग ट्रैक बनाने पड़ेंगे अगर आपने प्लेयर्स को बात करें T20 की ऑब्वियसली आपने T20 का क्योंकि ये जो प्लेयर्स के नाम नहीं है मोस्टली T20 और वन डे के प्लेयर अटैकिंग प्लेयर्स है ना जब तक आप ऐसी पिचेस प्रिपेयर नहीं करोगे जिसमें आप 180 प्लस रन जिस तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया की भी बात कर दूँ छोटी बाउंड्री कर दी बैटिंग ट्रैक बना दी अगर एक टीम ने 220 रन भी किए तो एक सर्टन चांस होता है कि यार ये टीम जीत सकती है लेकिन दुबई UAE में ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे 145 प्लस विनिंग स्कोर है तो ये इन चीज़ों पे अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपने स्पिनर डेवलप करने या बैट्समैन डेवलप करने अगर आपने स्पिनर डेवलप करने तो आपको एक नवाज मिल ही गया ना PSL से मिल गया लेकिन अब जहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा सीधी पिच है तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता नज़र आता है तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोचनी पड़ेंगी कि हमने प्लेयर्स को किस तरह के डेवलप करने हैं जिस तरह हमारा लाहौर कलंदर का एक मिशन है कि हमने हर डिपार्टमेंट को परफेक्ट करना है और हर डिपार्टमेंट को ग्रूम करना है तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ स्पिनर को या फास्ट बॉलर को ग्रूम करना है हमने ओपनर भी ग्रूम करना है हमने मिडल ऑर्डर भी ग्रूम करने हैं हमने विकेट कीपर भी डेवलप करने हैं हमने लेग स्पिनर भी डेवलप करने हैं तो एक एक एम लेके चल रहे हैं तो अगर आपने ग्रूम या डेवलपमेंट करनी है तो आपको पिचेस जो है ना ऐसी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी जिससे ज़्यादा रन हों जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैट्समैन मिले और आपने लाहौर कलंदर्स की डिटेल में बात की लाहौर कलंदर्स की बड़ी प्राउड हिस्ट्री है लाहौर की बड़ी प्राउड हिस्ट्री है एज अ क्रिकेट टीम लाहौर कलंदर जब PSL में आए तो एक लिहाज से पूरे लाहौर के लिए इट वॉज डी मोटिवेटिंग टू सी के आउट ऑफ द 5 सिटीज़ जो खेल रही थी लाहौर अकेली थी जो कि नॉकआउट से तक नहीं आप क्या कर रहे हैं टू इंश्योर के सेकेंड PSL में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ये नहीं रहती देखिए जिस तरह हमने क्रिस गेल को हायर किया था जो कि नहीं चले वो चल भी नहीं सकते थे क्योंकि ये इसलिए कि आप नाम तो बड़ा ले लिया लेकिन जिस तरह की पिचेस थी लो बाउंस ब्रेक पिचेस उस पर वो कभी हम अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान की ये जो UAE में कभी भी उसने परफॉर्म नहीं किया तो ये काम जब सिलेक्शन की है तो उसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है जिस तरह अजहर अली को कप्तान बना दिया पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसमें उसका फ्यूचर प्लान में नहीं था तो ये छोटी छोटी एक दो ऐसी गलती थी जो आगे जाके अभी हमने ब्रैंडन मैकलम को लाहौर कलंदर ने ब्रैंडन मैकलम को एज ए बैटिंग कंसल्टेंट और कप्तान बनाया आपका कंसर्न है कि ब्रैंडन मैकलम का क्रिस गेल वाला थोड़ा प्रॉब्लम है कि शायद इन पिचेस पे स्ट्रगल करें या फिर आपको लगता है कि वो
ज़रा उनकी बैटिंग एबिलिटी है जो कि यहाँ नेगोशिएट कर सकते हैं? 100% बैटिंग एबिलिटी है, उसकी वजह ये कि वो खेला चेन्नई एक्सप्रेस है, चेन्नई सुपर किंग्स से। चेन्नई सुपर किंग जो पिचेज है वो ऑलमोस्ट दुबई जैसी हैं, 140, 130, 120 रन भी आप डिफेंड कर लेते हैं, तो उसमें वो जो मेमोरी है उसकी वो उसको जल्दी गियर अप कर। हमने उन्हें देखा था, उन्होंने पहली आईपीएल में कोलकाता के लिए भी 158 किया था, लेकिन इफ यू रिमेंबर एक टेस्ट मैच में शारजा में उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट को 250 समथिंग किया वेरी क्विकली। लेकिन वन मोर थिंग, अजहर अली ने ये एक्सेप्ट गुड ह्यूमर में कर लिया डिसीजन टू बी एम। मेरी तो इस टॉपिक उस दिन मुलाकात हुई थी, मेरी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली उसे पता है कि ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर, नो डाउट। आपको भी पता है, आपको भी पता है, इवन के ये जो बैठे हुए इनको भी पता है उसकी जो, क्योंकि अग्रेशन सिर्फ बैटिंग में नहीं होती, आपको अग्रेशन फील्डिंग में भी दिखानी पड़ती है। अग्रेशन अगर मैं ड्रेसिंग रूम में ऐसे बैठा हूँ रिलैक्स नेचर के साथ, तो आपको अग्रेशन ड्रेसिंग रूम में भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि देखें 185 मिनट्स का एक इनिंग होती है, तो वो जो 3 घंटे 3.25 घंटे का प्ले है, तो उसमें आपकी एग्रेशन एनर्जी लेवल बहुत हाई होना। और एक और बात, ये PSL की अगर आप स्पेसिफिकली हम बात करें, तो मैंने यहाँ पे आपकी मैं बात ऐड कर दूं कि लाहौर कलंदर, लाहौर को 5 टीमों में से 5वें नंबर पे आई, उसकी कोई एक रीज़न थी, क्योंकि जो जिस दिन ड्राफ्टिंग हो रही थी तो लाहौर कलंदर को जो ऑप्शन मिली थी लास्ट चॉइस थी कि आपके पास आपने एंड पे प्लेयर्स को चॉइस करना है, लेकिन इस दफ़ा वी आर द फर्स्ट वन, तो आप इस दफ़ा पहले दो में लाहौर कलंदर को क्या देखेंगे, ये मेरा आपसे यहाँ पे बैठ के वादा है। तो क्या फ्यूचर क्या देखते हैं PSL का, लगता है कि ये दिस इज समथिंग जिस पे मैं आई वांट टू आस्क टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एक ये मैंने PSL पे एक ये क्रिटिक की थी कि एक तो कि उस पर कुछ वादे हुए हैं जो मेरे ख्याल में फुलफ़िल करना जिन्होंने वादे किए हैं उनके भी कंट्रोल से बाहर है, जैसे पाकिस्तान में फ़ाइनल करना या पाकिस्तान में PSL करना, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स ज़ाहिर है पाकिस्तान में इंटरनेशनली नहीं आ रहे और उन्होंने विलिंगनेस नहीं शो की पाकिस्तान आने की इवन फॉर द PSL। एक बात यह, तो ये एक अनरियलिस्टिक वादा है या नहीं? और दूसरी चीज़ ये कि फॉर्मेट से मुझे काफ़ी शिकायत है कि आप ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की क्रिकेट होती है और वो सारे 3 हफ्ते की क्रिकेट है एक टीम को एलिमिनेट करना। अब कराची का आप रिकॉर्ड देखें तो कराची 2 मैच जीते और 8 मैच हारे और वो भी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई, तो ये एक ज़रा लो लेवल लो एम्बिशन क्रिकेट का एक एटमोसफेयर नहीं सेट करता? किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट का काम है कि वो एक फॉर्मेट को डिज़ाइन किस तरह करती है, तो उनको जो बेहतर लगा उन्होंने किया और बड़ी अच्छी एफर्ट थी PCB की जो उन्होंने एक इवेंट करवाया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये देखें PSL की तरह के या IPL, BPL, बिग बैश, कैरिबियन लीग, नॉर्थवेस्ट T20 ब्लास्ट, तो हर जगह पे हो रही, तो हम इस चीज़ को बड़ा सीरियस लैग कर रहे थे, लेकिन तो पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लेके ये स्टेप लेके मैं समझता हूँ कि उन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी ख्वाब देखते थे, हम उनके लिए वो हकीकत बनने जा रहा है कि हम परफॉर्म करेंगे T20 में, तो हमारे पास एक सीरियस ऑप्शन है कि हम PSL की ड्राफ्टिंग में आ जाएं। अगर PSL की ड्राफ्टिंग में आ गए, अगर हमें चांस मिला परफॉर्म कर दी, तो फिर उस सिचुएशन में आप खड़े होंगे जिसमें आप कि आपकी सिलेक्शन का वो एक सीरियस मेयार है कि आपने यहाँ परफॉर्म किया, एक सीरियस प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे परफॉर्म करके मैं पाकिस्तान को भी खेल सकता हूँ। लेकिन ये कंप्लेसेंसी भी ला सकता है मेरे ख्याल है प्लेयर्स के अंदर, जो यंगस्टर्स हैं वो ये भी हो सकता है कि हम लोग ने इस लेवल तक खेलना है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा पैसा हमें अपने डोमेस्टिक की तरफ ही और खास तौर पे जो हमारी फर्स्ट क्लास जो 4-day games है इसकी तरफ ही ज़्यादा लगाना चाहिए, इधर ज़्यादा इंसेंटिव देने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेटर्स जो आपके क्वालिटी प्लेयर्स हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वो सारे टेस्ट से T20 में इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन T20 से टेस्ट में या बड़े लेवल की क्रिकेट खेलना इवॉल्व होना मुश्किल है। बिल्कुल, तो किस तरह समझते हैं कि PSL उस सेंस में किस तरह हेल्प कर सकता है बैट्समैन को हमारे? देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए, हमने आपने भी देखा होगा कि हर 3 महीने के बाद हम एक लाइव टूर्नामेंट देख रहे थे T20, हर प्लेयर्स को T20 का मौका मिल रहा है, लाइव टेलीवाइज्ड हो रहे हैं, पैसा इन्वॉल्व है। अभी भी ये जो लास्ट टाइम फैसलाबाद में हुआ, मुल्तान में फ़ाइनल हुआ, तो आपने क्राउड देखा कितना क्राउड था, लाहौर कलंदर के फाइनल में कितना क्राउड था, और प्लेयर्स को पैसे भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि वैसा नहीं है जिस तरह आप दूसरी लीग्स में देख रहे हैं, वो भी टाइम आएगा, लेकिन तब जब पाकिस्तान में PSL होगी, नो डाउट। अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जितने भी हैं वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उनमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स जो प्लेयर्स एसोसिएशन है वो अलाउड नहीं करती, फिर जो आपके बोर्ड्स हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आप जिस
सिचुएशन में खड़े हैं तो हर टीम पाकिस्तान में आने से थोड़ा सा घबराती है, जस्ट सिक्योरिटी फैक्टर। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम PSL का फाइनल भी लाहौर में लेके आ सके तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपको लगता है ला सकेंगे, क्योंकि अभी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बातें की उनसे लगता है कि चैलेंज होगा काफ़ी? चैलेंज देखें, कितने, दो प्लेयर्स, चार प्लेयर है ना आपके पास जिन्होंने खेलना है, दो आठ प्लेयर है ना जो डॉकआउट पे बैठे हुए जिन्होंने खेलना है, तो आठ प्लेयर्स को ही आप पाकिस्तान लेके आना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि PSL का अगर पाकिस्तान में फाइनल हो गया, जिस तरह का क्राउड इन्वॉल्व हुआ था पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ में, हालांकि वो इतनी बड़ी, पता भी था कि पाकिस्तान ने बड़े आसानी से मार देना, जितना क्राउड अंदर था उससे ज़्यादा तीन गुना बाहर होता था, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर PSL यहाँ पे हो गई तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को टू ब्रिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इन टू पाकिस्तान। जो मैचेस हो जाए यहाँ पे करवा दें, फाइनल लेकर करवा दें। वेस्ट इंडीज के मैचेस जो T20 हुए वो अमेरिका में हुए, क्योंकि दे वांट टू प्रमोट क्रिकेट इन अमेरिका। हाँ जी, तो ये भी बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज से निकल के आपने अमेरिका में जाके T20 खेले। होप फॉर द बेस्ट के यहाँ पाकिस्तान जो PSL है वो फाइनल पाकिस्तान में हो और हम सब जाके देखें और इनको सपोर्ट करें और दुआ करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कम बैक टू पाकिस्तान। एक और चीज़ इस चीज़ पे ही कि PSL की अब बात करते हैं, कराची किंग्स ने जिस तरह मैं कह रहा था परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी अंडरवेलमिंग थी, आपका इंटरेस्ट इस वक्त जो लाहौर कलंदर के साथ ही है, लेकिन आप अगर देखें वैसे बाकी फ्रेंचाइजेज़ को, आप देखते हैं कि क्वेटा और पेशावर सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे इसमें, तो आपको लगता है कि एक जिस तरह इंडिया के अंदर हमने देखा है कि एक पैटर्न इमर्ज कर जाता है कि चेन्नई सुपर किंग्स दो तीन साल काफ़ी डोमिनेंट थे और वो एक मेन डोमिनेंट टीम बन जाती है, कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह क्वेटा और पेशावर की ही डोमिनेंस देखेंगे या हर साल बदलेगी डिपेंडिंग ऑन फॉर्म? इस तरह के क्वालिटी प्लेयर्स स्पिनर्स उसके पास है, क्योंकि हमने देखा हमेशा UA की पिचों पर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। जुल्फकार बाबर उनके पास है, मोहम्मद नवाज उनके पास है, नबी उनके पास है, तो इसलिए डोमिनेशन की रीज़न भी यही थी कि उनके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा था। अब देखना यह कि कल ड्राफ्टिंग हो रही है, उसमें स्पिनर्स, हैवी स्पिनर्स कौन उठाता है, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में आगे इस पोजीशन में हूँगा कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूँगा किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं। That's the end of Let's Play. We hope you enjoyed it as much as we did. Main tha Daniyal Rasool, mere sath the sports analyst Zaman Khan and obviously former cricketer Mujahid Jamshed. Thank you very much for being on Let's Play. We'll see you again next week. Bye for now.